नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की पार्टियों की जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं बल्कि एक बड़े सियासी संघर्ष की कहानी है। 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने के बाद हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया है कि सियासत केवल जादुई शब्दों का खेल नहीं बल्कि मेहनत और संघर्ष और विश्वास जीतने की प्रक्रिया भी है। हेमंत सोरेन के लिए कौन से फैक्टर दमदार साबित हुए, चलिए आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, बदलाव की शुरुआत। हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत हर महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया। चुनाव से पहले 1000 रुपए का भुगतान कर भी दिया गया था, जिससे महिलाओं का भारी समर्थन मिला। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया था और इसने सरकार के प्रति जनता का भरोसा भी मजबूत किया। कल्पना सोरेन का सहज जनसंपर्क, जनता से जुड़ी एक नई आवाज। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार में अपनी सादगी और सजगता से लोगों का दिल जीता। उन्होंने सीधे जनता से जुड़कर उनका विश्वास हासिल किया। उनका सरल और प्रभावी तरीका उन्हें सबसे लोकप्रिय प्रचारक के तौर पर जता कर गया। उनकी जनसंपर्क नीति ने पार्टी के प्रचार को नया रूप दिया और जनता ने एक सकारात्मक बदलाव की हवा को भी महसूस किया। हेमंत सोरेन की जेल यात्रा संघर्ष की सच्ची कहानी बनी। वहीं बात करें हेमंत सोरेन की, तो उनका जेल जाना यह साबित कर गया कि वो आदिवासियों और वंचितों के अधिकारों के लिए किसी भी मुश्किल से जूझने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा ने उन्हें जनता के बीच मजबूत किया। सोरेन का ये संदेश उनके हक के लिए लड़ने के पीछे नहीं हटने का था और लोगों के बीच ये नायक के रूप में उभर कर सामने आए। सीएनटी एक्ट पर विरोध, आदिवासियों की लड़ाई में जीत। 2016 में जब भाजपा ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिश की तो यह आदिवासियों के लिए बड़ा संकट बन गया था। हेमंत सोरेन ने इसे मुद्दा बनाया। इसके बदलाव के विरोध में वो आगे आए और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। इस कदम ने आदिवासी समाज का समर्थन झामुमो के पक्ष में किया और भाजपा के खिलाफ नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। भाजपा का घुसपैठ मुद्दा और झामुमो की क्षेत्रीय समस्याएं। देखा जाए तो भाजपा ने चुनाव में घुसपैठ को मुद्दा बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा बीजेपी के काम नहीं आया, जबकि झामुमो ने जनता के असली मुद्दों जैसे कि आदिवासी अधिकारों, किसानों की समस्या और स्थानीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ये रणनीतिक झारखंड की जनता को काफी पसंद आई और प्रभावी भी रही, क्योंकि वो अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की जीत केवल चुनावी गणना का परिणाम नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सियासी यात्रा है, जो संघर्ष और समर्पण और साथ ही साथ जन विश्वास की मिसाल पेश करती हुई नजर आई। ये जीत ये सिद्ध करती नजर आई कि जब नेता अपने लोगों के बीच विश्वास और रिश्तों की मजबूत नींव रखता है, तब कोई भी चुनौती उसे पराजित नहीं कर सकती। चाहे वो कल्पना सोरेन की सरलता और जनसंपर्क हो या हेमंत सोरेन की जेल यात्रा या आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प, हर कदम उन्हें जनता के दिलों में एक अमिट स्थान देता गया। आज झारखंड के लोग हेमंत सोरेन को एक सशक्त नेता के रूप में देख रहे हैं, जो चुनाव जीतने नहीं बल्कि अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संकट का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन हेमंत सोरेन लोगों की उम्मीदों पर आगे कितना खरा उतर पाते हैं, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।